if x element of minus 3 to 3 close, solve x minus 2 into 10x. So now focus here, मुझे x की values ऐसी required हैं जिन जो minus 3 से 3 में lie करें और साथ में जिनके लिए x minus 2 और 10x का जो product है either 0 हो और क्या हो greater than 0. Either the product is 0 or greater than 0, ऐसे x की values required हैं जिनके लिए ये product either 0 हो और greater than 0 हो, ठीक है ना? तो x minus 2 के sign के लिए अगर मैं देखूं तो x minus 2 का sign change कैसे होगा, इसमें कोई भी tension नहीं है भाई. Minus 3 से लेके 2 तक ये कैसे होंगे, negative होंगे, और 2 से लेके 3 तक ये positive होंगे, 2 पर 0 हो जाएंगे, ठीक है ना? और 10x हम सब जी जानते हैं कि 10x आप कैसे होते हैं, पाई बाई 2 और पाई, ये पाई बाई 2 रहता है, ये पाई रहता है, और यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई ऐसा रहता है, ग्राफ ऐसा होता है इनका. एंड 10x क्या रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो 10x के लिए अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये भाई माइनस 3 से लेके माइनस पाई बाई 2, ये होगा माइनस पाई बाई 2 से 0, पाई बाई 2 और पाई, ध्यान से समझना, पाई को 3 कर देता हूँ मैं, 3 तक ही मुझे जाना है. तो यहाँ पर ये कैसे हैं, माइनस 3 यहाँ कहीं होगा, अगर ये 0 है तो ये माइनस 3 से लेके माइनस पाई बाई 2 तक पॉजिटिव हैं कि नहीं, हैं पॉजिटिव. और यहाँ पर क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ये आंसर में नहीं आएगा. तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक पॉजिटिव हो गए, नहीं माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर नॉट डिफाइंड है और फिर ये दोबारा से नेगेटिव हो गया. ओके, तो नाउ फोकस हियर, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी थी जहां पर ये जो प्रोडक्ट है या इधर जीरो हो और ग्रेटर देन जीरो हो. तो फर्स्ट लाइन बनाई मैंने, सेकेंड लाइन बनाई और ये प्रोडक्ट की लाइन बना दी, तीनों पर लोकेट करना है, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री लोकेट कर दिया. इसके बाद क्या आ रहा है, टू नहीं आ रहा, माइनस पाई बाई टू आ रहा है भाई, माइनस पाई बाई टू तीनों पे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसके बाद क्या आ रहा है, जीरो है, जीरो लिख दिया, जीरो जीरो जीरो, पाई बाई टू लिखा, पाई बाई टू टू से कम है, और इसके बाद मैंने टू लिखा, टू टू टू, सही है. एंड सीक्वेंस से लिखेंगे तो आसानी से आंसर आएगा, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो थोड़े बड़ा प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा एक्सप्रेशन से यहाँ इन्वॉल्व होंगे. तो आप दोनों पॉजिटिव या कब दो पॉजिटिव हैं, कब चार पॉजिटिव हैं, कब छः पॉजिटिव हैं, ऐसे केसेस नहीं ले पाएंगे. फर्स्ट एक्सप्रेशन टू तक निगेटिव है, टू पर जीरो है, तो माइनस 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 जीरो और ये पॉजिटिव, सही है. सेकेंड एक्सप्रेशन ये देख ही रहे हैं, माइनस पाई बाई टू तक निगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, फिर जीरो तक, फिर पॉजिटिव है पाई बाई टू तक, फिर उस पाई बाई टू तक पॉजिटिव है, फिर क्या है, जीरो से लेके पाई बाई टू तक पॉजिटिव है, फिर पाई बाई टू से थ्री तक नेगेटिव है, पाई बाई टू से थ्री तक नेगेटिव है, नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, सही है. पाई बाई टू पर नॉट डिफाइंड है, दूसरा यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड है, तो जहां पर नॉट डिफाइंड है वो आंसर्स नहीं आएंगे. तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जीरो आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा, ये जरूर आएंगे आंसर, क्योंकि इन पर जीरो हो रहा है, और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू कभी आंसर नहीं होंगे, ठीक है ना? ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा. मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मुझे एक्स की ऐसी वैल्यू रिक्वायर्ड है जहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो, आइदर जीरो हो और क्या हो, पॉजिटिव हो. प्रोडक्ट आइदर जीरो हो और क्या हो, और प्रोडक्ट आइदर जीरो हो और क्या हो, पॉजिटिव हो. तो नाउ फोकस हियर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट ये नेगेटिव आ रहा है तो टू पे तो आ रहा है आंसर टू, ये पॉजिटिव भी आ रहा है, तो पाई बाई टू ओपन से टू होगा, और इधर माइनस पाई बाई टू ओपन से क्रॉस चेक भी करूँगा, जीरो होगा क्लोज, यूनियन पाई बाई टू ओपन से क्या होगा, पाई बाई टू ओपन से होगा, टू क्लोज होगा, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू नहीं है आंसर, सही है, जीरो पे ये क्लोज है, टू पे भी ये क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे नॉट डिफाइंड है, तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. और ये प्रोसीजर है, ये बहुत ही ज्यादा काम का है,
कि सबसे पहले इंडिविजुअली अलग अलग एक्सप्रेशंस के साइन पर फोकस करिए और वो जब साइन डिसाइड हो जाए तो उसके बाद प्रोडक्ट के साइन पर फोकस करिए और प्रोडक्ट का साइन देख के फिर उसे आप कैलकुलेट करिए। ओके, तो मुझे लगता है समझ आ गया है और इसमें कोई भी दिक्कत